तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये तीसरा वीडियो है और वीडियो के अंदर आज हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। तो ये सबसे पहली राधा कुंड, राधा कुंड पहला बेटा, तो उसके बाद यात्रा शुरू करते हैं। और अब हम ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो में बड़े कंजस्टेड होके बैठे हैं, तो मैं वो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन सिर्फ मैं आपको गोवर्धन जी की जो परिक्रमा हमारी स्टार्ट हो गई है वहाँ से मैंने ये कैप्चर किया है। और कोशिश करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो के अंदर गोवर्धन जी जो पहाड़ है, गिरिराज जी का पहाड़, वो आपको दिखा पाऊँ, और मेरी कोशिश है। लेकिन ये जो ऑटो है उसके अंदर से मैंने कैप्चर किया है, तो आप ये देखें, ये जो साइड में ग्रीन है उसके पीछे जो है वो पहाड़ है गिरिराज जी का। और यहाँ पे सब छोटे छोटे मंदिर आ रहे हैं, तो जहाँ पे जो थोड़े से बड़े मंदिर हैं वहाँ पे ऑटो वाले ने रोक दिया और हम मंदिर देखते देखते चल चल। ऑटो में बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैंने आवाज़ साइलेंट कर दी है और आपको बताती जा रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये सामने ये जो रेलिंग लगी रेलिंग है उसके पीछे ये जो पहाड़ दिख रहा है ये वो गिरिराज के पहाड़ है। और आगे इसमें एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर बताएंगे कि ये मंदिर धीरे धीरे नीचे जो पहाड़ है धीरे धीरे घुसता जा रहा है। राजस्थान में घुस गया था आप? एक दिन में एक दिल जितना जब जमीन में धसेगा ही। हाँ। अच्छा, रोज का? रोज का। अच्छा, तो ये दस्ता जा रहा है, मतलब कह रहा हूँ क्या हुआ? अब इधर देखो, आप बताओ, आप बताओ, क्या बताया कभी आपको? अब बताओ, ये पहाड़ है गिरिराज जी जो इसको श्राप लगा हुआ है कि पर रोज एक तिल जितना जमीन में धसता ही जाएगा। ये एक रुपया जितना एक तिल। अच्छा, एक तिल जितना जितना अंदर जमीन में धसेगा ये वाला पार्ट है ना, अंदर जाएगा ये वाला। और ये क्या ऊंचाई पे था, नीचे आता गया? नीचे आता गया। अच्छा अच्छा, यहाँ ऑटो वालों ने 5000 साल से ऊपर से नीचे इतना आ गया है। अच्छा, अब अगले 5000 साल में जमीन में बिल्कुल ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये गाय है बड़ी गौ माता, और देखो थन के ऊपर ये लगा रखी नल, चार नल लगा दी। मैं भी ले लेती हूँ, देखे हाँ मजा आ गया आज तो, गौ माता का दूध भी पी के आ गए। ये आप भैया के लिए लेके जा रहे हो क्या? हाँ, ये गौ माता का भैया को पिलाओ, मैं तो वो चले गए। की जय राधे 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 राधे। ये जैसे हम ऑटो से आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल वाला ऑटो होता है उससे, और तीन चार ऑटो कर रखे हैं, तो कई पीछे रहता है कई आ जाता है, जो जगह होती है ना वहाँ करके वापस मिल जाते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखो थोड़ा सा दिखेगा आपको, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ये दिख रहा ये यहाँ से, ये हाँ ये पर्वत है, गोवर्धन पर्वत। ध्यान से इधर देखो तो सही भाभी, कैसा महसूस हो रहा है आपको भाभी? आपको कैसा लग रहा है मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिला। लेकिन जो अंदर देखा ना वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दूध का दूध वेस्ट हो रहा है और है ना गंदगी फैल रही है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती।
वीडियो ही ले रही हूँ। लो वीडियो चालू तो अच्छा चालू राधे लो भाभी चालू ये देखो यहाँ लिखा हुआ है घंटा बजाकर मनोकामना पूर्ण करें। चलो बजाओ हाँ बजाओ अपनी मनोकामना मन में रखें। मैं भी बजा दूँ इधर शिव जी हैं मेरे तो जगह दिखती है मुझे पता नहीं है मुझे। ओम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव परिक्रमा देते गोवर्धन जी की जब परिक्रमा कर रहे थे तो बीच में मंदिर आ रहे थे और ये भी गोवर्धन जी का ही एक पर्वत है मंदिर है जिसके अंदर पहाड़ को उठा रखा है और ग्वाले हैं और गायें हैं। यहाँ बहुत भयंकर भीड़ थी इसलिए मैं दूर से कैप्चर कर रही हूँ और इतना इसमें वो दूध फैलाया जा रहा था तो थोड़ा सा वो दूध का देख करके ऐसे हो रहा था कि बहुत बहुत वेस्ट हो रहा था दूध। अब ये पता नहीं कहाँ जाके शायद फिल्टर हो रहा था ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ये जो पत्थर सा दिख रहा है जो पर्वत है उसके ऊपर लोग सिक्का चिपका कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे थे तो हमने तो ऐसे थोड़ा सा दूर से देखा। ये देखें यहाँ से यहाँ फाड़ है वो और ये हो गया यहाँ पे। अब बताओ ये भगवान कृष्ण का दोस्त टोरमल राजस्थान के हैं तो ये परिक्रमा में इनके फेरे जा रहे हैं कि किसी ने परिक्रमा करी नहीं करी उसका ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा इनके जहाज ये करना जरूरी है और यहाँ से राजस्थान स्टार्ट हो गया। सीमा है राजस्थान बॉर्डर पे है ये। हाँ तो हम तो प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के भी कृष्ण जी के दोस्त है। हाँ कृष्ण जी के दोस्त है। आप कुछ कहना चाह रही मैं राजस्थान की हूँ कृष्ण जी की सहेली हूँ। कृष्ण जी की सहेली है मेरा दर्शन नहीं आप है ना राधा की सहेली हो वहाँ ललिता राधा की सहेली थी इसलिए आप राधा की हो कृष्ण जी की मत बनो। जो गोवर्धन दा है ना उसका थोड़ा सा भाग राजस्थान में टच होता और ये राजस्थान के उनके दोस्त हैं श्री कृष्ण जी के। ये कीर्ति मंदिर है तो इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरे शुरू से फॉलोवर्स हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नए हो चैनल पर तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और आगे भी और भी वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू।